Dear students of class 9th, we are doing the lesson number 8, part 2 about Maria Sharapova. The other tennis pupils would come in at 11 p.m. दूसरे जो टेनिस के खिलाड़ी थे वो 11 बजे आते थे वापिस घर पर. एंड वेक मी अप, मुझे जगाते थे, उठाते थे. एंड ऑर्डर मी टू टीडी अप द रूम एंड क्लीन इट, कमरे को संवारने और इसको साफ करने का आदेश देते थे, कहते थे. इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, यह मुझे दबाने की बजाय क्या करता था. आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड, मैं और ज़्यादा दृढ़ निश्चयी, मेंटली मानसिक रूप से मजबूत, टफ कठोर मजबूत बनी. आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीखा अपने आप को कैसे देखभाल की जाए, अपनी देखभाल कैसे करनी. आई नेवर थॉट ऑफ क्यूटिंग, मैंने कभी भी छोड़ने की कोशिश नहीं की. बिकॉज, क्योंकि. आई न्यू, मैं जानती थी. वॉट आई वॉन्टेड, मुझे क्या चाहिए था. वैन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, जब आप कहीं से आए हो कि आपके पास कुछ नहीं और आप कुछ नहीं हो, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, तब वह आपके लिए बहुत ही आपको बनाता है वेरी हंग्री, बहुत व्याकुल एंड डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चयी. आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट देन दैट ऑफ स्टीडफास्टली परस्यू माई ड्रीम. आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन, मुझे और पुट अप रखनी है विद मच मोर ह्यूमिलिएशन, बहुत ज़्यादा अवमानना एंड इंसल्ट बेइज्जती होती है मुझे, देन दैट ऑफ स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम. स्टेडफास्टली परस्यू, लगातार पीछा करना मेरे सपने का, यानी कि जो अचीव करना चाहती थी. दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टूडे, आज भी मारिया के अंदर हुआ टफनेस है, कठोरता है. इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन सिंगल्स क्राउन एट विम्बल्डन इन 2004 एंड टू हर मेटियोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर वन स्पोर्ट द फॉलोइंग ईयर. द टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टूडे, आज भी है. इट वॉज द की टू हर बैगिंग द, ये कामयाबी का एक चाबी थी, की थी. बैगिंग द वुमेन सिंगल्स क्राउन एट विम्बल्डन इन 2004, 2004 में विम्बल्डन के महिलाओं के सिंगल्स का क्राउन, ताज हासिल करना. एंड टू हर मेटियोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर वन स्पोर्ट द फॉलोइंग ईयर, तो आने वाले सालों में दुनिया में नंबर वन की पोजीशन का से मेटियोरिक तेजो में, मतलब चमकीला राइज उदय था इसका. वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस हैज टच द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस. वाइल हर जर्नी, उसकी यात्रा के दौरान, जब कहाँ से फ्रोजन प्लेन्स, जमे हुए मैदान, कहाँ के साइबेरिया के, टू द समिट, शिखर पर पहुँचना महिलाओं की टेनिस के, हैज टच, छुआ है द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस, टेनिस के चाहने वालों के दिलों को छुआ है इस बात को कि वो नंबर वन बनी है, शिखर पर पहुंची है टेनिस में. फॉर द यंगस्टर्स हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट. अब यंगस्टर के लिए क्या है, छोटों के लिए, जवानों के लिए, उसके अनुसार appears to be no room for sentiment. Sentiment के लिए कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए भावुकता के लिए. The state looks and the answers she gives when asked about her ambition makes it. State looks बिल्कुल सीधा देखती है जब वह आंसर देती है, जब उससे पूछा जाता है कि her ambition make it, कि उसकी जो ambition था, मकसद था, वो कैसे पूरा हुआ. It imply clear that she considered the sacrifices were worth it.
एम्प्लॉय जिसकी पर्याप्त क्लियर बिल्कुल साफ करती है दैट सी कंसिडर उसका विचार रहा है द सैक्रिफाइसेज वर वर्थ इट इसके लिए सैक्रिफाइसेज त्याग करना पड़ा था त्यागों की कीमत थी ये आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटेटिव मैं बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक हूँ आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू मैं बहुत कठिन मेहनत कर सकती हूँ जो मैं कर सकती हूँ इट्स माई जॉब यह मेरी ड्यूटी है दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस यह उसकी कामयाबी का मंत्र है लाइक एनी अदर ऑफ टीनेज सेंसेशंस मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज किसी दूसरी टीनेज किशोरी सनसनी की तरह मारिया शारापोवा की भी लिस्ट है फैशन की गाने की डांसिंग की नृत्य करने की उसकी हॉबियाँ हैं शी लव्स रीडिंग द नॉवल्स ऑफ आर्थर कोनन डॉयल वह ऑर्थर कोनन डॉयल के नॉवल्स उपन्यास पढ़ने में भी लव्स प्यार करती है अच्छा लगता है उसको पढ़ना शी फोननेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपियर्स एट ओट्स विद हर लव ऑफ पिन केक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फीजी ऑरेंज ड्रिंक्स अब ये क्या है सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स पेचीदा शाम संध्या वाला जो गाउन्स पहनते हैं उसको अपियर्स एट ओट्स उसको भद्दा लगता है अच्छा नहीं लगता विद हर लव ऑफ और उसका जो विद हर लव ऑफ प्यार करती है क्या पानकेक्स टिकिया विद चॉकलेट चॉकलेट के साथ स्प्रेड पानकेक्स के ऊपर चॉकलेट्स फैलाई हुई एंड फीजी ऑरेंज ड्रिंक्स और नारंगी रंग का पेय ये पसंद करती है ये मारिया शारापोवा कांट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड मारिया शारापोवा नहीं रह सकती पिजन होल्ड में सब कबूतर की तरह छुपे नहीं रह सकती और अपने आप को कैटेगराइज्ड एक सेंट्रलाइज मतलब वर्गीकृत नहीं कर सकती हर टैलेंट उसका जो उसकी टैलेंट खूबियां खूबी अनवेवरिंग अटूट डिजायर इच्छा टू सक्सीड कामयाबी एंड रीडनेस उत्साह या लगन टू सैक्रिफाइस हैव क्या करना हैव लिफ्टेड उठाया हर उसे टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के सबसे ऊंची कामयाबी पर फी वुड ग्रज हर द रिचेज सी इज नाउ रीपिंग ग्रज असंतोष फ्यू कुछ असंतोषी हर रिचेज उसकी सी इज नाउ रीपिंग वो सोचते होंगे कि अभी यह पक रही है अब इसका जाने का समय है कटाई का समय है दिस इज व्हाट सी हैज टू से अबाउट हर मोनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस दिस इज व्हाट सी हैज टू से इसके बारे में वह कहती है अबाउट हर मोनेटरी मुद्रा या जो भी पैसा धन दौलत आर्थिक रूप से फ्रॉम टेनिस से ऑफ कोर्स बिल्कुल मनी इज अ मोटिवेशन टेनिस इज अ बिजनेस एंड स्पोर्ट्स टेनिस एक खेल और व्यवसाय और खेल है और पैसे से मोटिवेशन मिलता है बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है जो दुनिया में नंबर वन बनाती है दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग वह सब सौपन था जिसमें मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था सो इट वॉज द लेसन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट मारिया शारापोवा थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गॉड ब्लेस यू